37,000 38,000 50 रुपए लीटर 12 किलो तक की गाय है। सबसे पहले अपना नाम और अपने फार्म के बारे में बता दीजिए। हमारा नाम लाला पांडे है और हमारा टोटल गायों का फार्म है। ऐसा तो आप मेन दूध बेचने का काम करते हैं कि गाय बेचने का? नहीं, दोनों काम करते हैं, दूध भी बेचते हैं और गाय भी बेचते हैं। मतलब व्यापारी भी हैं आप? जी। और आप ये गाय और भैंस कहाँ से लाते हैं? हम इलाहाबाद से लाते हैं। और कौन कौन से नस्ल के मेन लाते हैं? हमारे पास सभी प्रकार की गाय मिलेंगी, गिर मिलेगी, साहीवाल मिलेगी, होल्स्टीन मिलेगी और जर्सी मिलेगी। और अगर किसी को मान लीजिए ख़रीदना हो गिर साहीवाल तो कितने तक में मिलती होंगी? देखिए, ये सब होता है जानवर के ऊपर कि जानवर की क्या कैपेसिटी है। मिलने के लिए 30,000 की भी मिल जाएगी जी, और साहीवाल है तो 50 की भी मिलेगी, 30 की भी मिलेगी। मतलब जानवर के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसा जानवर है जी। और मतलब आपके पास अभी कितने कितने के होंगे और कितने लीटर तक दूध देते होंगे? अपने पास अभी 10 किलो 12 किलो तक की गाय हैं जी। और भैंसों में? भैंस नहीं रखते। नहीं, भैंस रखते ही नहीं। भैंस रखते नहीं। और वहाँ से ख़रीदते हैं तो इधर लाने में आपको फ़ायदा होता है कि अभी घाटा हो जाता है? नहीं, फ़ायदा तो होता है, तभी तो कर रहे हैं इतने सालों से। हाँ, लगभग आप कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को हो गया लगभग समथिंग 13-14 साल हो गया। 13-14 साल। और जब आपने शुरुआत किया था तो कितने से शुरू किए थे? हम शुरू किए थे 4 जानवर। और आप अपने गायों को क्या खिलाते हैं वैसे? हम लोग गायों को बस वही नॉर्मली चुनी, चोकर, भूसा और हरियाली। आप ये सब खरीदते हैं कि? सब खरीदते हैं। और जैसे कि भूसा आपको किस रेट पर मिलता है? भूसा बाजार के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अभी बीच में 12-13 रुपये हो गया था जी, अब रेट गिर गया है तो 7-8 रुपये मिल रहा है जी। और अगर किसी को मान लीजिए डेयरी फार्म शुरू करना हो तो उसको किन बातों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए? उनको जानवरों के रख रखाव पे सबसे मेन ध्यान देना चाहिए जी। जी हाँ, रख रखाव उनका सबसे मेन ध्यान होता है जी। और खिलाने पिलाने का कि नियम से खिलाएं और जानवर की कैपेसिटी के ऊपर खिलाएं। एक स्वस्थ जानवर को एक दिन में कितना दाना वैसे देना चाहिए? दाना वैसे नॉर्मली 5 किलो कम से कम। आप अपने डेयरी में खुद ही सीमन का करवाते हैं या बैल से या डॉक्टर से? नहीं, हम डॉक्टर बुलवाते हैं। डॉक्टर बुलवाते हैं जी। अगर सबसे बेहतर कौन सा सीमन होता है? सीमन में से अपने यहाँ के लिए अगर सुटेबल कहा जाए तो सबसे अच्छा जर्सी साहिवाल क्रॉस में है। अच्छा, क्रॉस में जी। अच्छा, प्योर अगर देसी गाय डालते हैं तो क्या सक्सेस नहीं हो पाते हैं? नहीं, प्योर देसी मेन क्या सर्विस नहीं होती देसी गायों जी, कम दूध देती हैं। कम दूध देती हैं, कम समय तक लगती हैं। हाँ, ज़्यादा ड्राई पीरियड चला जाता है जी। और अभी आपका प्लानिंग क्या है वैसे फ्यूचर में कि बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, तो अपना काम तो बढ़ाते हैं। अभी तक पहले शुरू में बहुत थोड़े से चालू किए थे, 4 से चालू किए थे जी। अब 14-15 जानवर रहते हैं अभी। टोटल 15 गाय? हाँ, 15 गाय। और कितने काल्फ होंगे बछड़े? सभी में है, 2-3 में नहीं है क्योंकि वो अभी गाब है जी। 12 होंगे। और जैसे कि मेल काल्फ होते हैं बछड़े, तो बड़े होने के बाद उनका क्या किया जाता है वैसे? नहीं, ऐसे ज़्यादातर बड़े होने के लिए बचते ही नहीं है, वो किसानों के पास चले जाते हैं अपने पास, क्योंकि बेचने वाला भी काम है, सेल करते हैं जी। जी, तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो किसान के पास ही चले जाते हैं, अपने पास बचते ही नहीं जी। और अगर मान लीजिए किसी को शुरुआत करनी है तो अपने सेट को कैसे बनवाए, मतलब कितना खर्चा उसको करना चाहिए? सेट बनवाने के लिए देखिए, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जानवरों को रखने की जी स्कीम बना रहे हैं जी। उस हिसाब से पर जानवर 5 फीट चाहिए उनको जगह। ऐसा, और उनको घूमने के लिए? नहीं, घूमने के लिए मान लीजिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है जी। उनको खाली 12 घंटे जैसे रात का गर्मी का समय है जी, जी। तो दिन में अंदर कर दें छाया में, रात में बाहर कच्ची मिट्टी में बांध जी। और आप जैसे ज़्यादातर जर्सी गाय रखते हैं? जर्सी और HF को क्रॉस। अच्छा, तो इनको जैसे गर्मी पड़ने लगी है तो गर्मी में क्या व्यवस्था है वैसे? गर्मी में वैसे नॉर्मल छाया, पेड़ की छाया। अच्छा, और बाकी जैसे कुछ लोग ज़्यादा रख रखाव रखते हैं तो कूलर भी लगवा देते हैं। हाँ, बहुत लोग कूलर लगवाते हैं। बाकी इनको बाकी ज़्यादा विशेष ज़रूरत होती नहीं। अच्छा, ज़्यादा देखा गया कि इनको बहुत अच्छे से रखना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
वो क्या है, प्योर ब्रीड जो हॉलिस्टियन की आती है और प्योर ब्रीड अपना गिर की आती है, इनका ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, तो देसी में जैसे गिर है तो उनको भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है? बहुत ज़्यादा, अपने यहाँ सुटेबल है नहीं है, हालांकि सक्सेस नहीं है, बहुत रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आता नहीं। हाँ, और सतना में ज़्यादा देखने को मिलते भी नहीं है, कम चलता रहा। अच्छा, तो आप दूध कैसे बेचते हैं? दूध 50 रुपये लीटर। तो कोई लेने आते हैं डायरेक्ट? सब कोई लेने आते हैं। अच्छा, सब यहीं लेने आते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग हो जाता जी, है जी हाँ, देने कहीं नहीं जाते जी। अगर कोई जैसे बिचौलियों को बेचते हैं तो फायदे में रहता है कि घाटे में जाता होगा उनका? नहीं, अपने पास क्या है, टोटल खाने वाले ग्राहक हैं जो खुद आते हैं और अपने खाने के लिए लेके जाते हैं जी। जी हाँ, बाकी और किसी को देते नहीं। अगर किसी को करना हो तो अगर डायरेक्ट बेचता है तभी उसको ज़्यादा फायदा होता होगा? हाँ, डायरेक्ट अगर डायरेक्ट आपके पास कस्टमर हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाकी अगर किसी अन्य को दे रहे हैं सेलर को जी, तो स्वाभाविक बनी बात है कि सेलर भी अपना बनाएगा जी, तो आपको कम रेट देगा जी। आपके फार्म में अभी कितने लीटर तक की गाय होंगी, मतलब भाई? हमारे पास अभी फिलहाल लगभग 12 से 14 लीटर की। 12-14? और 12 लीटर वाली मतलब अभी कितने में बिक रही होगी? 12 लीटर वाली वही 35,000-38,000। ऐसा, आप जैसे कि कोई बाहर का गल लेना चाहे तो उसका भिजवाने का भी कोई? हाँ, भिजवाने के लिए भिजवा भी देते हैं। बात अपनी जानकारी बताने के लिए।